नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएम के न्यूज़। चलिए शुरू करते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोदी सरकार की प्रगति स्कीम के बारे, जो कि एक स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा गर्ल्स स्टूडेंट को डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी। 4,000 लड़कियों को 50,000 की स्कॉलरशिप देगी मोदी सरकार। ऐसे उठा सकते हैं इस मोदी सरकार की स्कीम का फ़ायदा। क्या आप मोदी सरकार की प्रगति स्कीम के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जानकारी लीजिए और अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई को आर्थिक तंगी के कारण रुकने ना दें। इस स्कीम के तहत सरकार उन मेधावी बेटियों को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दे रही है जो तकनीकी शिक्षा हासिल कर रही है। सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय लड़कियों की तकनीकी शिक्षा पर जोर दे रहा है। मंत्रालय ने इसके लिए प्रगति स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को हर साल 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा या डिग्री हासिल करने वाली लड़कियों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। जाने स्कीम की खास बातें। नई स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को हर साल ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। डिप्लोमा और डिग्री करने वाली गर्ल्स स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। हर साल 4,000 बेटियों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिलेगा। इसमें 2,000 डिप्लोमा कोर्स छात्राओं के लिए और बाकी 2,000 डिग्री कोर्स छात्राओं के लिए होंगी। किसी प्रोग्राम के डिग्री या डिप्लोमा में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में स्कॉलरशिप किसी दूसरे प्रोग्राम डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को दी जा सकती है। किसी एक परिवार में 2 लड़कियों की स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है। इसके लिए लड़कियों के परिवार की सालाना आय 8,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। मेरिट लिस्ट के आधार पर यह तय होगा कि किन किन छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। AICTE से मान्यता प्राप्त टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की मेरिट लिस्ट ली जाएगी। स्कॉलरशिप में 30,000 की रकम ट्यूशन फीस के तौर पर दी जाएगी और 10 महीने तक 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें आरक्षण भी लागू होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और OBC उम्मीदवारों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।